हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे दिसंबर 2021 BCHCT 131 क्वेश्चन पेपर का आंसर पार्ट बी। तो पार्ट बी में 8 से 14 तक क्वेश्चन है। 8 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ CH3 CH11 CHCl, विच ऑफ द आइसोमर्स विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। तो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है यह हमें लिखना है, और सिस ट्रांस आइसोमर हमें दिखाना है। तो इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर द बॉन्ड मोमेंट्स एट वेक्टरली एंड रेनफोर्स ईच अदर लीडिंग टू हायर डायपोल मोमेंट ऑफ दिस आइसोमर। द वैक्टेरियल एडिशन फॉर द सिस आइसोमर लीड्स टू ए लोअर वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से देखिए, ये है सिस वन क्लोरो वन प्रोपेन एंड ये है ट्रांस वन क्लोरो वन प्रोपेन। दोनों का जो है यहाँ पर डायपोल मोमेंट गिवन है। देखिए, यहाँ पर ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, इथानॉल इज लेस एसिडिक देन इथानोइक एसिड, व्हाई? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना यहाँ पर गिवन है उतना ही कर दीजिएगा। सिमिलर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द इथोक्साइड आयन बिकॉज सच ए स्टेबलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द सिस्टम हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ स्टेबलाइजेशन बाई रेजोनेंस फॉर द इथोक्साइड आयन, इथानॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू इथानोइक एसिड, ठीक है ना। तो यह है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फीचर प्रोजेक्शन ऑफ डी प्लस ग्लाइको सॉरी ग्लिसरलडिहाइड, आल्सो असाइन इट्स कॉन्फिगरेशन एज आर एस एक्सप्लेनेशन द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पर डी ग्लिसरलडिहाइड का हमें यहाँ पर दिखाना है फीचर प्रोजेक्शन। देखिए, ये है डी प्लस ग्लिसरलडिहाइड, ये है हमारे पास ये एच ओ एच सी ओ एच एंड सी एच टू ओ एच एंड इसका आर एस सिस्टम अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा। देखिए, ये पाई ओवर लुकिंग दिस एच पाथ 1 2 3 द ट्रेस। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं, सिंस दिस पाथ इज क्लॉक वाइज हेंस डी ग्लिसरलडिहाइड इज असाइंड आर कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बी, व्हाट इज टोटोमरिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ टोटोमरिज्म। तो टोटोमरिज्म क्या है यहाँ से हम देखेंगे। टोटोमरिज्म क्या है? द टर्म टोटोमरिज्म डिजाइन ए रैपिड एंड रिवर्सिबल इंटर कॉन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स विच आर रिलेटेड टू इच अदर विथ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज दैट ऑफ वन और मोर एटम। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड टोटोमर्स, ठीक है ना। देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोन टोटोमर्स। तो इस तरीके से प्रोटोन का टोटोमर लिख दीजिएगा, कोई भी एक एक यहाँ पर लिख दीजिएगा, एनॉल और एनामाइन, इस तरीके से कोई भी एक लिख दीजिएगा, या फिर दो तीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द स्टेप इन्वॉल्व एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इन द ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 हेक्सेन। तो इसका आंसर आएगा 2 हेक्सेन का, इस तरीके से ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ये 2 हेक्सेन है, O3H2OZN। तो यहाँ से एल्डिहाइड्स मिलेगा, यहाँ पर जो CH3CH2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 
हमारा आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बी क्लासिफाई। ओ स्टेप्स जो है ये तो हमें, मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, तो यही लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका आंसर मिला है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये हम यहाँ से चेक करेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड
एंड जो SO3 है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, एंड H2S एंड NH3 जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11A, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज ऑफ लिमिटेड सिंथेटिक वैल्यू, इलिस्ट्रेट दिस यूजिंग ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन एज एन एग्जाम्पल। तो इथेन का ब्रोमिनेशन देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लिखना भी है, तो हेलोजिनेशन ये लिखिए, यहाँ पर एल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू टेट्रा हेलो एल्केन्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एड टू द ट्रिपल बॉन्ड ए डाई हेलो एल्केन इज एन इंटरमीडिएट एंड कैन बी आइसोलेटेड यूजिंग प्रॉपर रिएक्शन कंडीशंस इथेन एंड और ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर गिवन ओनली 1-2 डाइब्रोमो इथेन, वेयर एज विथ ब्रोमीन एलोन इट फॉर्म्स 1-1-2-2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो यहाँ से इथेन ब्रोमीन वाटर आ गया, तो 1-2 डाइब्रोमो इथेन, 1-1-2-2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। द एडिशन ऑफ हेलोजन एंड टू इथेन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इज ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर ये जो रिएक्शन है रिएक्शन ही दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस रिएक्शन के साथ आप लोगों को लिखना था। उसके बाद 1B, एक्सप्लेन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विद द हेल्प ऑफ द सुइटेबल एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट सॉरी प्रोड्यूस 1 लार्ज पॉली फंक्शनल मॉलिक्यूल विद द पॉसिबल एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। द रिएक्शन कंटिन्यू अंटिल ऑलमोस्ट होल ऑफ वन ऑफ द रिएजेंट्स इज यूज आप। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप ये दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग पॉलीएमाइड 662 मोनोमर्स हेक्सामिथाइलाइन डाइएमाइड एंड क्या है एडिपिक एसिड आर। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग इसका एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12A, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एनी टू डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन 1,3-ब्यूटेन। तो इसका आंसर जो है देखिए, 1,3-ब्यूटेन 2 मेथड से, एक है 1 फॉर डी हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, तो यहाँ से एच प्लस करेंगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन है, और उसके बाद यहाँ से क्लोरोहेक्सेन से यहाँ से हीट देंगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन। एंड उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12B, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बाइफेनल एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट। तो बाइफेनल का आंसर देखेंगे हम, बाइफेनल बाइफेनल जो है यहाँ पर, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइफेनल, यहाँ पर तो बाइफेनल का आंसर नहीं है, पर बाइफेनल का आंसर बुक में भी गिवन है, पेज नंबर 82 है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 82 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे, ये 2 फेनल आएगा, बेंजीन एंड और एक बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कार्बन जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 डैश ये आ जाएगा, एंड 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, टोटल 12 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पेज यहाँ पर
दिया गया है, ड्रॉ वेरियस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर जो आएगा, ड्रॉ वेरियस ब्यूटेन है ना, तो यही देखिए ब्यूटेन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, सोहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, तो यहाँ पर देखिए कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन यहाँ से हम करेंगे, तो ये देखिए ये जो है ये इसका आंसर ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पर इस तरीके से, और इन दोनों तरीके से इसका कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से तो ये मुझे आंसर मिला नहीं, या फिर हो सकता है मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई आंसर है तो यहाँ पर पेज नंबर है 57 और ब्लॉक है 3, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर इसका सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाए, राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखे गए हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मुझे तो दो बहुत इजी सा लगा, तो बेंजीन एंड मेनी अदर, बेंजीन आर बेंजीन इज लाइटर देन वाटर एंड बेंजीन इज कलरलेस एंड हाईली फ्लेमेबल लिक्विड विथ ए स्वीट स्मेल, ठीक है ना, इन दोनों बहुत अच्छा है, या फिर आप अच्छे से नंबर दिया जाएगा, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट लिखिए, फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए, ठीक है ना, और यहाँ पर और कुछ थोड़ा मतलब अच्छा सा पॉइंट लिख दीजिए, तो दो दो ही लिखना है आप लोगों को, इनमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इनमें से आप लोगों को अपने हिसाब से दो पॉइंट लिखना है। उसके देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन, लिखा हुआ है, तो इसका आंसर स्टेप्स जो इन्वॉल्व है, स्टेप्स यहाँ पर बुक में तो दिया हुआ नहीं, या फिर मुझे मिला नहीं शायद, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, क्या निकल कर आया है, ये प्रोडक्ट दिया गया है, स्टेप्स जो है ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और दिया अगर है भी तो मुझे मिला नहीं कहीं पर, तो ये देखिए इसके साथ एच बी आर मतलब मिलाएंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए राइट द आई यू पी एस सी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या है, प्रोपेन है, तो लिखेंगे फिनाइल वन प्रोपेन, ठीक है ना। देखिए तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन का एक दो पार्ट मिला नहीं, दो क्वेश्चन का शायद थोड़ा थोड़ा पार्ट जो स्टेप्स लिखा गया है, तो स्टेप्स मिला नहीं मुझे, वो जो रिएक्शन से वो रिएक्शन मिल गया है, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिखा दिया है, पेज नंबर भी आप लोगों को दिखा दिए हैं बुक का, तो बुक से ही पढ़िए, क्योंकि इग्नू का जो बुक है वो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, सभी क्वेश्चन वहीं से आता है, तो उस बुक को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से पास हो जाओगे, नंबर अच्छा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।